शुक्रवार की शाम भाजयुमो द्वारा निकाली जा रही रैली पर पत्थरबाजी कर शहर में दंगा फैलाने की नापाक कोशिशें करने वालों की खैर नहीं है। दंगा फैलाकर शहर की फिजा खराब करने की कोशिशों को नाकाम करने वाली पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने पत्थरबाजों की धरपकड़ तो कर ही रही है, पत्थरबाजों को की घरों को भी नेस्त नाबूद कर रही है। शनिवार की सुबह होते ही पुलिस ने प्रशासन और नगर निगम के अमले के साथ बेगम बाग के उस मकान पर धावा बोला जिस मकान की छत से नकाबपोश महिलाओं और बच्चों के साथ रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाए गए थे। इस दौरान पहले मकान को खाली करवाया गया और फिर उसे जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इस दौरान लोगों द्वारा विरोध भी किया गया और दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन और पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि गड़बड़ी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यही नहीं, पुलिस अन्य पत्थरबाजों की भी पहचान कर उनके यह मकान जमींदोज कर रही है। इस दौरान इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है और आला अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार की शाम उज्जैन में उस समय तनाव की स्थिति बन गई थी जब भाजयुमो द्वारा निकाली जा रही रैली पर बेगमबाग इलाके में इसी मकान की छत से असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। पथराव की वजह से एक दर्जन से अधिक भाजयुमो कार्यकर्ता घायल हो गए थे। बाद में इलाके भारी पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रित किया गया था। सर जो हम फुटेज दे रहे हैं, मैं फुटेज दे रहा हूँ कल से प्रशासन को, मैंने फुटेज दिया है, उस आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कोई तरीका थोड़ी होता अपना, ये तरफ हो रहा मार हमारे पूरा और मार गाली बक रहा है, उसके बाद हमारे चल भीजा जाओ। अरे हमारे भी कोई राइट है क्या? नहीं ठीक है, पता साहब चिंता मत करो। मेरी गाली शांत हो जाओ। तो 44 लागू है रोड पर कार्य चार सदी।